तो गाइस आज हम करने वाले वन पीस एपिसोड 124 की इन हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। एपिसोड के स्टार्ट में हमें टेंपल को दिखाया जाता है, वो हर तरफ से चटक और टूटने लगता है। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है, वो उसी अंडरग्राउंड रास्ते से अंधे की तरफ जा रहा होता है, चिल्लाता होगा क्रोकोडाइल है कहाँ तू, और बोलता है ये जगह कौन सी है, इतनी हिल रही है। फिर भी बोलती है मुझे लगता है मुझे कैनियर की जगह पता है। फिर वो सब बोलता है तुम्हें सच में पक्का पता है? फिर वो बताती है अटैक करने वाला यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद कैसे देख पा रहा है, वो पक्का किसी अच्छी जगह पर रखा होगा जहाँ किसी बड़ी कैनन को आराम से रखा जा सके और कोई आसमान से भी ढूंढ नहीं सकता। फिर हमें बीवी के बचपन में दिखाया जाता है जब कोजा बोलता है देखो ये जगह कितनी बड़ी है, क्यों ना हम इसे अपना अड्डा बनाएं। फिर भी बोलती है वो उसी क्लॉक टावर में होगी और मैं जा रही हूँ। फिर वो सब उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं है, वो सब कहता है उन्हें आने तो दो। फिर हमें दिखाया जाता है वीवी के रास्ते में कुछ लोग आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। फिर वो सब चिल्लाता है इतने सारे लोगों से हम एक साथ कैसे लड़ें। जोरो वो सब का सिग्नल देखता है और सांजी नामी चौपर ये सब वो सब का सिग्नल देख के वो सब की तरफ तेज़ी से आने लगते हैं और वो सब की तरफ दिखाया जाता है। वो एक साइन बोर्ड लेता है और उस पर अपने नाखून घिसने लगता है। फिर इतनी तेज आवाज होती है कि सबके कान फटने लगते हैं और यही मौका देखकर उषा और वीवी भाग जाते हैं। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है, वो क्रोकोडाइल को ढूंढता हुआ तेजी से जा रहा होता है। फिर हमें मिस संडे की तरफ दिखाया जाता है, वो घायल होती है और जमीन पर पड़ी हुई होती है और क्रोकोडाइल कोबरा से कहता है कि बहुत टाइम लगा मुझे यहाँ तक आने के लिए लेकिन आखिरकार मैं यहाँ आ गया और अब से मैं इस कंट्री का राजा हूँ और ये मेरी कंट्री है, और बहुत तेज हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर दीवार टूटती है और क्रोकोडाइल वहाँ की तरफ देखता है और जैसे ही देखता है वो चौंक जाता है और कि सोचता है ये फिर से बच गया। फिर हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं लूफी होता है और क्रोकोडाइल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो बार बार बच के आ जाता है। फिर वो लूफी से कहता है तुम जिंदा कैसे हो और मैं तुम्हें इतनी बार मारता हूँ तुम बार बार कैसे आ जाते हो। फिर कोबरा कहता है ये बच कैसे गया, ये आखिर किस चीज़ से बना है। फिर हमें मिस संडे की तरफ दिखाया जाता है, वो कहती है स्ट्रो हैट। फिर क्रोकोडाइल कहता है मैं तुम्हें कितनी बार मारूँ। फिर लूफी कहता है तुमने मुझे अभी वो वापस नहीं किया है जो तुमने मुझसे लिया है। फिर क्रोकोडाइल कहता है जो मैंने लिया है, पैसा इज्जत भरोसा या जिंदगी या बारिश। फिर क्रोकोडाइल हंसने लगता है और कहता है मैंने बहुत कुछ लिया है मुझे क्या वापस करना है। फिर लूफी कहता है कंट्री। फिर क्रोकोडाइल कहता है मजाक मत करो कंट्री। फिर क्रोकोडाइल कहता है मैं बस किंग बनने ही वाला हूँ, ये कंट्री मेरी होने वाली है। फिर लूफी वीवी के बारे में सोचता है कि वीवी कितना चाहती है इस कंट्री को, अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस कंट्री को बचाने के लिए यहाँ तक आई और मैंने वीवी से वादा किया था कि ये कंट्री मैं उसको दिलवा कर रहूँगा क्योंकि वीवी मेरी दोस्त। इसलिए क्रोकोडाइल ये कंट्री वीवी की है और वीवी को दे दो। और क्रोकोडाइल की तरफ तेजी से जाता है और लूफी कहता है तुमने बहुत बुरे काम किए हैं और ये कंट्री तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। फिर क्रोकोडाइल कहता है बकवास बंद करो और तुम मुझे कैसे मारोगे, तुम्हारे पास तो पानी भी नहीं है। फिर लूफी क्रोकोडाइल के पास जाता है और उसको एक ज़ोरदार किक मारता है और दीवार में घुसेड़ देता है। और क्रोकोडाइल कहता है तुमने बिना पानी के मुझे कैसे मार लिया। फिर लूफी उसे अपने एक ज़ोरदार पंच मारता है। फिर क्रोकोडाइल समझ जाता है ये अपने खून से मार रहा है और लूफी के हाथ से बहुत सारा खून टपक रहा होता है। फिर क्रोकोडाइल उठता है और कहता है तुम इनाम के हकदार हो, हर बार मुझे चैलेंज करके
मुझे मार लेते हो। फिर लूफी उसकी कोई बात नहीं सुनता, उस पर किक का अटैक करता है, लेकिन क्रोकोडाइल डॉच कर लेता है। फिर क्रोकोडाइल अपना सीक्रेट वेपन निकालता है। फिर क्रोकोडाइल कहता है, लगता है तुम मुझे हर हाल में हरा सकते हो और तुम मेरा सरदर्द का कार्ड बन चुके हो और मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोकोडाइल लूफी से कहता है, तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए, जब तक दो पायरेट लड़ें, जब तक उनमें से एक नहीं हार जाता, तब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होती। लूफी और क्रोकोडाइल दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और कहता है क्रोकोडाइल, और ये लड़ाई आखिरी होगी, या तुम मरोगे या मैं मरूंगा, लेकिन मैं तो मरने वाला कभी नहीं हूँ। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, स्ट्रो हैट लूफी। फिर हमें जोरो को दिखाया जाता है। अब वो कहता है, लगता है वो सिग्नल उधर से आया था, और दौड़ता हुआ तेज़ी से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं जोरो के सामने नावी आ जाती है, और फिर जोरो कहता है, ये नेवी के लोग यहाँ पर भी आ गए और मेरे पास अब टाइम नहीं है। जोरो कहता है, सामने से हट जा, मैं तुम्हें 3 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। फिर वो लोग कहते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? फिर जोरो बोलता है, ये बात तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। फिर नेवी के लोग बोलते हैं, हमें पता है तुम रास्ता भटक जाते हो। और वो लोग बोलते हैं, वापस जाओ, नॉर्थ कॉर्नर की तरफ से जाओगे और महल की तरफ पहुंच जाओगे। इधर वाले रास्ते से मत जाओ, वहां से जाओ, वहां से जल्दी पहुंच जाओगे। जल्दी जाओ, तुम पागल हो गए हो, जल्दी जाओ। फिर जोरो देखता है, नेवी के लोग ही मुझे रास्ता बताने लगे। फिर जोरो पूछता है, क्यों, क्या चल रहा है? फिर हमें वीवी और जोसेफ की तरफ दिखाया जाता है। वो लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर नेवी आ जाती है और उन लोगों को मार देती है, और उसब और वीवी को बचा लेती है। उसब शुक्रिया कहता है, और नावी बोलती है, हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं, उधर से जाओ जल्दी और धमाके को रोको। फिर वीवी और उसब तेज़ी से भाग के जाने लगते हैं। फिर वो स्मोकर के बारे में सोचने लगती है। वो कहता है, तुम अल्वेस्टा जाओ। फिर वो बोलती है, हमें पायलट को पकड़ना है, उस स्ट्रो हैट वाले को। फिर स्मोकर कहता है, तुम्हें वहाँ जाकर सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करना, और मैं बाद में संभाल लूँगा। फिर हमें वीवी की तरफ दिखाया जाता है। वो उतब से कहती है, जल्दी करो उतब। फिर वीवी कहती है, हमने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया है, जल्दी चलो। फिर वीवी बोलती है, अगर नेवी हमें मदद नहीं करती तो हमें बहुत देर हो जाती। फिर उसब देखता है, 2 मिनट बचे हैं, और कहता है, या फिर हम जीतेंगे या हम मर जाएंगे। फिर वीवी कहती है, हमारे पास अभी भी थोड़ा टाइम है, और दौड़ते हुए वो लोग जाने लगते हैं। फिर हमें नाम चोपड़ा की तरफ दिखाया जाता है। वो लोग बोलते हैं, क्या चल रहा है और नेवी हमारी मदद क्यों कर रही है, और क्या तुम्हें वो कैनल मिल गई? फिर वीवी कहती है, पक्का नहीं पता, पर मुझे यकीन है वो कैनल वहीं पर हो सकती है। फिर हमें बैल की तरफ दिखाया जाता है। उसके ऊपर कोई गोली चला देता है और कहता है, मैंने एक बर्ड पर निशाना लगाया। फिर बैल नीचे गिरने लगता है। फिर हमें टेंपल की तरफ दिखाया जाता होता है। वो टेंपल पूरी तरीके से टूट रहा होता है, और क्रोकोडाइल और लूफी वहाँ पर लड़ रहे होते हैं, और क्रोकोडाइल लूफी के ऊपर अटैक करता है, और लूफी के हाथ पर कट लग जाता है। फिर लूफी जाके उसको एक किक मारता है, फिर वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वापस उठने लगता है, और वो लोग फिर से लड़ने लगते हैं। वो लोग हार नहीं मान रहे होते हैं। फिर क्रोकोडाइल उसी हथियार से लूफी के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन लूफी बच जाता है, लेकिन उसके हाथ पे वो टच हो जाता है, और सीधे पत्थर से जाके जो क्रोकोडाइल का हथियार होता है वो लगता है, और हमें दिखाया जाता है पत्थर पूरी तरीके से गल जाता है। फिर भी लूफी हार नहीं मानता, फिर वो क्रोकोडाइल की तरफ जाता है और उस पर एक किक मारता है, और घूमकर उसका हाथ का हथियार पकड़ के उसे घुमा के ज़मीन पर पटक देता है। फिर कोबरा देखता है ये कैसे लड़ पा रहा है क्रोकोडाइल से, जबकि क्रोकोडाइल ने हमारी कंट्री के सभी योद्धाओं को बहुत आसानी से हरा दिया था। फिर क्रोकोडाइल उठता है और कहता है, तुम 2 बार मरकर भी उठा आए, लेकिन तुम अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे। फिर हमें नामी की तरफ दिखाया जाता है। नामी कहती है वीवी से, क्या हुआ? फिर वीवी कहती है, मुझे पैर नहीं दिखाई दे रहा। फिर नामी कहती है, हम 1 मिनट में इतने ऊपर नहीं जा सकते, अब हम क्या करें?
फिर बीवी कहती है, पहले तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। फिर हमें सांजी को दिखाया जाता है, वो क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ा होता है और कहता है, हे नामी सैन, बीवी सैन, तुम वहाँ क्यों हो। फिर वो लोग इसे ऊपर देखते हैं, फिर उसे चिल्लाता है, ऊपर जाओ और क्लॉक टावर को ख़त्म कर दो। फिर बीवी बोलती है, नहीं, जहाँ पर वो है वहाँ से क्लॉक टावर के अंदर वो नहीं जा सकता, आसमान से जाने के अलावा सिर्फ सीढ़ियों से ही जाया जा सकता है। फिर उसब कहता है, लेकिन जोरो तो टावर को पूरा ही ख़त्म कर सकता है। फिर बीवी कहती है, ऐसा करने से क्या कैनल यहीं पर फट गई तो। फिर बीवी दौड़ के जाने लगती है और कहती है, हमारे पास सीढ़ियों के अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर नामी बीवी से कहती है, रुको, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। फिर बीवी बोलती है, क्या। फिर बीवी बताने वाली होती है, उससे पहले हमें आवाज़ आती है, रैबिट रैबिट रैबिट। फिर क्लॉक टावर का गेट खुल जाता है और उसमें से आवाज़ सुनाई जाती है, हे मिस्टर सेवन, ये हमारा लास्ट मिशन है और इसे हमें पूरा करना होगा। फिर मिस्टर सेवन बात करने लगता है और कहता है, प्लान का मुताबिक अब 30 सेकंड बाकी है हमें ब्लास्ट करने के लिए। फिर वो हंसने लगता है। फिर नामी बोलती है, ये क्या है। फिर बीवी कहती है, मिस्टर सेवन, मिस फादर्स डे। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।